ओके स्टूडेंट्स, तो आज का चैप्टर है हमारा प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 और सर्वांतर D और nवां पद An है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने एनसीईआरटी बुक में आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसमें जो है कि कुल टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू गिवेन है। ठीक है, ए इक्वल टू दिया हुआ, इसमें का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू गिवेन है, ए बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 7, और डी की वैल्यू गिवेन है हमारा 3, एन दिया हुआ है हमारा 8, और ए एन कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता है कि इसको एनवा पद को हम लोग टी एन से भी इंडिकेट करते हैं और ए एन से भी। ठीक है, तो ए एन लिखने का मतलब हमारा ये हुआ, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसमें एन की वैल्यू हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक है, ए की वैल्यू गिवेन है हमारा 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारा 3 गिवेन है। तो ए 8 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 1 गया 7, 7 3 का 21 21 7 28, ये हमारा निकल गया। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, मैं कुछ क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर दूं, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। ए की वैल्यू दिया हुआ है हमारा -18। ठीक है, डी नहीं दिया है, इस बार हमें क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू दिया हुआ है हमारा 10। ठीक है, और ए एन दिया हुआ है हमारा 0। तो ए एन लिखने का मतलब क्या हुआ हमारा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 0। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है -18, एन की वैल्यू गिवन है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम भेज देते हैं उधर, तो 10 में से 1 गया 9 डी इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 18, 9 से कट गया दो बार में। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, डी इक्वल टू 2। यही हमें कैलकुलेट करना था दूसरे प्रश्न में। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हमारा क्या है इसमें का, तीसरे प्रश्न में हमें ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें हमें, और डी की वैल्यू दी हुई है -3, डी की वैल्यू -3 दी हुई है, एन की वैल्यू 18 दी हुई है, और ए एन दिया हुआ है -5। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन बराबर लिखने का मतलब क्या हुआ, जरा सॉल्व करते हैं। ए एन लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा हुआ है। एन की वैल्यू -5 इक्वल, ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 -1, डी की वैल्यू दी हुई है -3। इसको जरा सॉल्व करते हैं हम, ए प्लस सॉरी -5 इक्वल ए प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 18 में से गया 17, 17 3 51। ठीक है, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो -5 प्लस 51 इक्वल ए हो गया, घट गया तो कितना आ गया हमारा, ए की वैल्यू आ गई हमारी 46, घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें ए हमारा कैलकुलेट हो गया। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, ए की वैल्यू दिया हुआ है -18.9। ठीक है, डी की वैल्यू दिया हुआ है
2.5, ठीक है। उसके बाद एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमको एन कैलकुलेट करना है, इस बार एन कैलकुलेट करना है। और ए एन दिया हुआ है 3.6, ए एन 3.6। तो यहाँ पे ए एन लिखने का मतलब क्या हुआ कि ए ए एन लिखने का मतलब हुआ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 3.6 दी हुई है, ए की वैल्यू -18.9 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू दिया हुआ है हमारा 2.5। इसको ट्रांसफ़र करते हैं इधर, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 3.6 + 18.9 इक्वल एन माइनस वन इन मल्टीप्लाई, ठीक है, 2.5, ठीक है। इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, तो 9 × 6 = 15 कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 21 इक्वल, ये कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 2.5। तो सेम अंक के बाद पॉइंट है, तो हम इसको ख़त्म कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा 25 × 9 = 225, ठीक है। ये 9 बार में ख़त्म हो गया, एन माइनस वन, माइनस वन को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो एन प्लस वन इक्वल एन, एन की वैल्यू क्या निकल आई हमारी 10, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें दिया हुआ है हमारा ए की वैल्यू 3.5 दी हुई है, ठीक है, ए इक्वल दिया हुआ है 3.5। इस बार डी की वैल्यू इसमें 0 दी हुई है, ठीक है, एन की वैल्यू 105 दी हुई है, और हमें ए एन कैलकुलेट करना है, सारे इजी क्वेश्चंस हैं, इस बार हमें ए एन कैलकुलेट करना है। तो ए एन इक्वल तो पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारे वैल्यू को पुट कर दिया जाए, 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस वन, डी की वैल्यू 0, जब डी की वैल्यू 0 मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो सारा 0 हो जाएगा, यानी ए एन हमारा क्या निकल गया, 3.5, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है 57, ठीक है, सॉरी 97, बी 77, सी -77, डी -87, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी -3 दिया हुआ है, पहला आप स्वयं सॉल्व करें, ईजी है, ठीक है। दूसरा मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि दूसरे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि माइनस वगैरह है इसमें। तो श्रेणी हमारा क्या दिया, -3 -1/2, ठीक है, 2, ठीक है, डॉट डॉट, कह रहे कि इसका 11वां पद है, यानी T11, या फिर इसी चीज़ को हम लोग A11 भी लिखे, कहीं कहीं लिखा होगा, ये A है, ठीक है। तो T11 लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या लिख रहा हूँ कि a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a क्या है कि हमारा फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद a है, तो प्रथम पद हमारा कितना निकला हुआ है, प्रथम पद हमारा निकला हुआ है -3, ठीक है, प्लस 11 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 10। और d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अगर हम इसको डी की वैल्यू कैलकुलेट करें, इधर मैं डी कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
माइनस वन बाई टू माइनस माइनस थ्री, क्या हो जाएगा डी इक्वल माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, 6 में से एक जाएगा 5, यानी 5/2, डी आ गया हमारा 5/2, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, यानी माइनस 3 प्लस 25, यानी T11, T11 कितना निकल गया हमारा, 25 में से 3 गया 22 हो गया, यानी इसमें 4 विकल्प हमारा दिया गया है, ठीक है, 28, 22, माइनस 38 और माइनस 48 सही 1/2, ठीक है, तो इसे बी वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार आप जो है कि पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए, ठीक है। इसमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, भरना है। तो इसमें जो है कि 5 प्रश्न है हमारे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है हमारा 2, ठीक है। इसके बाद हमारा एक बॉक्स है और इसके बाद हमारा है 26, और यहाँ पे हमें उस संख्या को रखना है जिससे कि ये सीरीज समांतर श्रेणी में हो जाए, उस पद को यहाँ पे रखना है, ठीक। तो हम करेंगे क्या कि प्रथम पद हमें पता है, यानी T1 हमें पता है, T1 कहें या A कहें हमें पता है 2, T2 नहीं पता है, ठीक है, T3 पता है, T3 हमारा 26, 26। तो T3 लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या लिखा, ए प्लस 2D इक्वल 26। अगर हमें D की वैल्यू पता चल जाए तो हम T2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। T2 मतलब पहला पद ये है, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 2D इक्वल 26, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 होगा, 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 2D इक्वल टू जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी D कितना निकल गया, D निकल गया हमारा 12, ठीक है। तो इसमें हम T2 होगा क्या हमारा, इसलिए T2 क्या होगा हमारा, T2 ए प्लस डी, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 12, यानी 2 प्लस 12 यानी कितना हो गया 14, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, दूसरा पद हमारा 13 है, फिर तीसरा पद हमको कैलकुलेट करना है, चौथा पद दिया गया, यानी पहला पद नहीं पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता है और चौथा पद पता है, यानी हमें पहला पद और दूसरा पद क्या, तीसरा पद हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 नहीं पता, T1 या A बात बराबर है, ठीक है, T2 पता है हमें, T1 कैलकुलेट करना है और T3 कैलकुलेट करना है। तो T2 लिखने का मतलब क्या हुआ, T2 कितना दिया हुआ है 13, T2 लिखने का मतलब कि मैंने क्या लिखा, ए प्लस डी इक्वल 13, और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, T4 इक्वल 3, T4 लिखने का मतलब कि मैंने क्या लिखा, ए प्लस 3D इक्वल 3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, सॉल्व कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को, एक बार हम घटा देंगे, ठीक है, तो कैंसिल हो गया हमारा, माइनस वाली संख्या बड़ी है क्योंकि इस साइन से कोई हमें मतलब नहीं है, इस प्लस वाले से, तो -3D में से 2D गया तो क्या हो जाए, 1D गया तो -2D, और 13 में से 3 गया तो 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, तो D इक्वल टू क्या निकल गया, -5। अब यहाँ D का मान यदि हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दें तो A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं उसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ,
डी का मान मैं क्या कर दे रहा हूँ, समीकरण एक में मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डी का मान मैं यहाँ रखूँगा तो ए माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस इक्वल 13, तो क्या निकल जाएगा, ए इक्वल 18, ये निकल गया हमारा ए का मान, ठीक है। तो ए निकल चुका है, डी निकल चुका हूँ, तो हमें टी वन क्या हो जाएगा, टी वन लिखने का मतलब कि मैं ए लिख रहा हूँ, 18 हो जाएगा। और टी थ्री अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टी थ्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D, और ए प्लस 2D लिखने का मतलब ए की वैल्यू 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है कितनी है, माइनस 5, 5 दूना 10 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, 18 में से 10 गया तो कितना निकल गया, 8, ठीक है। ये हो गया हमारा T3 का वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 5, उसके बाद दो बॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमारा 9 सही 1/2, 9 9 सही 1/2, यानी इसमें टी वन दिया हुआ है, हमको टी टू टी थ्री ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे टी फोर दिया गया है, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। और बाकी इसमें के जो दो क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, आप लोग स्वयं उसको सॉल्व करिएगा, नहीं चौथा मैं बता दूंगा, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा दिया हुआ है, टी वन दिया हुआ है, टी वन लिखें या ए लिखें बात बराबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, टी टू कैलकुलेट करना है और टी थ्री कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। और टी फोर हमारा गिवेन है, टी फोर कितना है, 9 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18 और 1 19, 19/2, ठीक है। टी फोर लिखने का मतलब कि मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, कि टी फोर लिखने का मतलब ये लिखा हूँ कि मैंने ए प्लस 3D इक्वल 19/2, ए की वैल्यू तो आप जान रहे हैं 5 है, ठीक है, 3D इक्वल 19/2, 5 को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो गया, 3D इक्वल 19/2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 19 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, यानी 3D इक्वल 9/2, 3 से काट दिया हमने 3 बार में, तो D क्या आ गया हमारा, 3/2। तो अगर D ये निकल चुका है तो हम लोग क्या T2 और T3 तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ए और डी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मिनट, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, T2 कितना हो जाएगा हमारा, T2 लिखने का मतलब कि मैंने ए प्लस डी लिखा हुआ है, ए की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, और डी की वैल्यू 3/2, 5 दूना 10 3 13/2, यानी 13/2, ये T2 निकल गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है T3। T3 लिखने का मतलब ये है कि ए प्लस 2D, ठीक है, ए की वैल्यू आप पुट करिए, ए की वैल्यू कितनी है 5, प्लस 2D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 और 3 8, इसको हम अच्छे से लिखें तो कितना हो गया, 8, यानी ये हो गया हमारा T3, ठीक है। तो बाकी दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे, चौथा और पांचवा, आप उसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा।
समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना एनवा पद उसका क्या है, 78 है। माना समांतर श्रेणी का माना एनवा पद क्या है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, माना एनवा पद, एनवा पद को टीएन से इंडिकेट करते हैं, टीएन 78 है। ठीक है, तो टीएन 78 मतलब ये हुआ कि इसमें का प्रथम पद आपको पता है। ठीक है, प्रथम पद चूंकि श्रेणी हमारा दिया है 3, 8, 13, 18, ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉट डॉट है, यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है हमारा 3, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करें हम, 8 में 3 गया 5। ठीक है, तो मान लिए श्रेणी का एनवा पद 78 है, तो चूंकि टी एन इक्वल 78, और टी एन लिखने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ए की वैल्यू 3, एन माइनस वन डी की वैल्यू 5 इक्वल 78। मैं 3 को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 3 उधर ट्रांसफ़र होगा तो 78 में से 3 घट गया तो कितना आ गया, 75। ठीक है, 5 से मैंने इसको काट दिया। मैं देखिए ये नंबर और इस नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसलिए मैं इसको काट सकता हूँ। तो कितनी बार में कटेगा ये, 15 बार में, तो एन माइनस वन इक्वल आ गया हमारा 15, तो एन बराबर माइनस वन उधर जाके ऐड हो जाएगा 16। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस समांतर श्रेणी का जो है कि 16वां पद कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, यानी हमें पदों की संख्या कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे दूसरा होगा वैसे आप पहला सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, सारा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या एन है, माना संख्या एन है। ठीक है, मैंने मान लिया, इसमें आप प्रथम पद देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, ए बराबर 18। अब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं डी, तो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। द्वितीय पद कितना है, 15 सही 1/2 माइनस 18, तो 15 × 30, 30 और 1 31, कितना हो जाएगा ये, 31/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 18 × 36, 31 में से 36 गया घट गया तो कितना आ गया, -5/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी की वैल्यू, डी बराबर हमारा क्या निकल गया, -5/2। इसके बाद हमें पता है कि एनवा पद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एनवा पद मतलब अंतिम पद, टीएन दिया हुआ है कितना, -47। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि टीएन दिया हुआ है -47 और एन कैलकुलेट करा, टीएन लिखने का मतलब ये हुआ कि मैंने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि टीएन बराबर होता है इतना है, ए की वैल्यू हमने पुट कर दिया 18 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है कितनी हमारी, -5/2 इक्वल -47। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 18 माइनस एन माइनस वन इंटू 5/2
स्क्वायर माइनस 47, मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 18 प्लस 47 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 5/2। तो इसको यदि आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 18 और 47, 8 7 15, ठीक है, 4 और 1 5, 1 6 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 5/2। तो ये काट दिया मैंने 13 से, 13 5 65, 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड में है, तो 13 2 26 इक्वल एन माइनस 1, ए माइनस 1 इधर आ जाएगा, 26 और 1 27, ये हो गया हमारा एन की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इसी तरीके से हम पहले वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें कुल टोटल जो पदों की संख्या होगी वो कुल कितनी होगी, 27 होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि क्या इसमें अगर हम और आगे बढ़ते चाहें तो क्या कोई ऐसा पद भी होगा जो माइनस 150 होगा, ठीक है, और होगा भी तो वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम पद हमारा दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है श्रेणी में, ए इक्वल टू 11, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 8 में से 11 जाएगा तो -3। तो मान लेते हैं कि उस समांतर श्रेणी का एनवा पद जो क्या होगा, -150 होगा। माना समांतर श्रेणी का एनवा पद अर्थात एनवा पद लिखने का मतलब Tn कितना होगा, -150 होगा, मैंने मान लिया। ठीक है, तो Tn लिखने का मतलब यह हुआ कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 150। ठीक है, a की वैल्यू है 11, एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है, -3 -150। तो मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो कितना हो जाएगा, 11, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो हो जाएगा 150, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा इधर तो कितना हो जाएगा, 3n-1। कितना हो जाएगा इनको जोड़ेंगे तो हम 1 5 6 161, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3n-3 इधर आएगा तो 164 इक्वल 3n, ले आके डिवाइड करेंगे इसको तो 164/3 इक्वल n। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप 164 अगर आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो है कि दशमलव में आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव में हमारा मान आएगा, लेकिन जो n ये जो होता है वह एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और भिन्नात्मक वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए, दशमलव वाली कोई संख्या होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। तो अतः यहाँ से यह पता चलता है कि ऐसा कोई पद नहीं होगा इस श्रेणी का जो -150 होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम n, चूँकि n एक धन पूर्णांक होना चाहिए, अतः -150 दी गई श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, अगर ये धन पूर्णांक होता तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ओके,